हाँ तो मित्रों, मैं समझता हूँ आप खुश होंगे, आप मस्त होंगे। ग्रीन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। एक वृक्ष दस पुत्र समान। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे हमारे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आज दोस्तों मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जिससे मतलब अगर आप नॉनवेज के प्रेमी हैं, खासकर मछली खाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। आज हमारे बीच होटल ताज इंटरनेशनल के सीनियर कुक मिस्टर जोगेंद्र कुमार हैं, जो इनको सादा खाना मतलब वेज और नॉनवेज बनाने के एक्सपर्ट हैं। ये यहाँ दापोली में शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे, तो मैं इनसे बात हुई, ये हमारे ही इधर के रहने वाले हैं, लखनऊ साइड के। तो बोले कि सर आपको हम मछली आज खिलाएंगे बना के बढ़िया। तो आज इन्होंने रोहू और पापलेट दो तरह की मछलियाँ लाए हैं और उनको कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। हाँ भाई जोगिंदर जी, बताइए कैसे बनाते हैं। सर इसमें हाँ, पहले हम अपने लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। अच्छा ठीक, उसके बाद तो मिलाएंगे बढ़िया। वेरी गुड। इसमें नमक लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। इसमें धनिया डालेंगे। हाँ, और उसके बाद इसमें नमक थोड़ा सा, लाल मिर्च डालते होंगे। लाल मिर्च और कढ़ाई रखते हैं। अच्छा, इसमें कढ़ाई अगर इसमें आधा रोड बेसन हो जाने के बाद कढ़ाई रखता हूँ, गर्म होने के बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, तेल हमारा ठंडा रहेगा। हाँ, तो सर इसमें टूट जाएगा तो आपका बन नहीं पाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप, बहुत शानदार। अगर तेल है हाँ, तो उसमें आपका अगर तेल गर्म हो गया तो आपका फूटेगा नहीं। अच्छा अच्छा, सिर्फ निकलेगा। अच्छा हाँ हाँ, निकले। अच्छा अच्छा, अगर ठंडा है तो उसमें टूट जाए। बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ। सर हाँ, ये देखो ये रैया है। अच्छा रैया है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, बहुत मीठा। हाँ हाँ, मित्रों एक ब्रेक के साथ फिर हम आएंगे वीडियो में। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस वेल आइकन बटन, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। और लीजिए आगे की प्रोसेस को देखिए, ये बना रहे हैं। वाह बहुत ही सुंदर है, आपने बहुत सुंदर फ्राई किया। देखिए वाह, क्या देखिए देखिए, तो देखिए तो अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये कौन सी मछली है? ये रोहू मछली। अच्छा रोहू मछली फ्राई हो गया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है। अच्छा हमारे जो दर्शकगण और जो लोग हैं, अगर आपकी सर्विस चाहेंगे तो आप उन्हें सर्विस देंगे? आपकी फीस कितनी है पर डे की बनाने की? आपकी फीस कितनी है पर डे? कितना पैसा लेते हैं आप बनाने का? 500 रुपया। तो मित्रों अगर आपको जरूरत है फिश कुकिंग की, तो इनको इनका नंबर मैं दे दूंगा वीडियो में, तो आप कहीं भी बुला सकते हैं, इनकी सर्विस ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। हाँ चलिए, तो मित्रों अगर आपने हमारा वीडियो हो गया है, अभी मछली निकाल दिए। अच्छा निकाल दिए। अच्छा दर्शकों देखिए, मैं बहुत नजदीक से दिखा रहा हूँ, और मछली बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, पेट और आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। हाँ, और तेल गर्म होगा। अच्छा फिर हम, अच्छा फिर ये तेल ठंडा हो गया, जब आपने मछली निकाल दिया तो तेल ठंडा हो गया। फिर से दोबारा गर्म करेंगे इसको, फिर इसमें डालेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद इसमें ग्रेवी भी लगाएंगे ना? ग्रेवी सर इसमें मिला के फिर ग्रेवी तो बाद में, अभी फ्राई करेंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद में हम अदरक लहसुन। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका और सरसों का पेस्ट बनाएंगे। हाँ हाँ, उसको पेस्ट बनाने के बाद में सर इसको अगर भूजेंगे मसाला। हाँ हाँ, तो मित्रों थोड़ा सा ब्रेक मैं लेता हूँ। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस वेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। हाँ बताइए और आगे चलिए। अब इसमें जब ये हम पेस्ट बना लेंगे तो इसका सर
उसको मसाला भूजेंगे, ग्रेवी इसका पूरा लाल हो जाएगा, अच्छा, बनाएंगे, बनाने के बाद में इसका ग्रेवी पक जाएगी तो हम इसमें मच्छी डालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मच्छी डालने के बाद में जब पूरा हमारा पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसमें थोड़ा धनिया हरी पत्ती डाल देंगे, अच्छा और अच्छा लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ढेर सारी जानकारी हम अगले वीडियो में लाएंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए, हर तरह की जानकारी आपको देंगे। अब कैसा ये वीडियो लगा लाइक कमेंट जरूर करें, और आप लाइक कमेंट करेंगे इनका मनोबल बढ़ेगा। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।